रखें। जैसे पिछले लेक्चर में हमने जो है वो मॉड्यूलर ब्लॉक इंटा की डेवलपमेंट देखी थी मेलन सेफ्लॉन की। मैंने कहा था कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमारे पास मेलन सेफ्लॉन है ब्रेन स्टेम का, इससे ऊपर ये जो पोर्शन होगा ये वाला पोर्शन मोस्ट प्रोबेबली सारा ये हमारे पास क्या है, ये है मीटन, सॉरी हाँ यस सर मीटन सेफ्लॉन, ठीक हो गया, ये सारा मीटन सेफ्लॉन है। तो ये जो मीटन सेफ्लॉन है ये दो में डिवाइड होता है, पॉन्स में और सेरिपेलम। जो पॉन्स है इसको खास हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट कि इसको डिस्कस किया जाए। अगर आप करना चाहें तो इसके सिंपल न्यूक्लियस के नेम याद कर सकते हैं उनके डायरेक्टिव पास, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं। हाँ सेरिबेलम ज़रा इंपॉर्टेंट है, उसको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सेरिबेलम की डेवलपमेंट में क्या क्या बात हो सकती है। अच्छा जो सेरिबेलम की डेवलपमेंट होती है, एक तो उसमें मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ सेरिबेलम की डेवलपमेंट में क्या होता है। सबसे पहले सेरिबेलम के अंदर जो है हमारे पास, हमने ये कहा कि हमारे पास तीन जो है वो हैं। सबसे पहले नीचे से अगर देखें तो माइलन सेफ्लॉन जो कि मिडिल लेवल होगा हिटा में डेवलप होगा, सॉरी मिटन सेफ्लॉन जो पॉन्स और सेरिबेलम में डेवलप होगा, और मिजन सेफ्लॉन जो कि मोस्ट प्रॉबली मिड ब्रेन में डेवलप होगा। तो ये जो है हम देख चुके हैं मिडन सेफ्लॉन, माइलन सेफ्लॉन देख चुके हैं, मिडन सेफ्लॉन पे आते हैं। तो मिडन सेफ्लॉन में क्या है कि हमारे पास ये, क्योंकि सेरिबेलम में डेवलप होता है पॉन में, पॉन हम छोड़ चुके हैं सेरिबेलम की तरफ आते हैं। अब सेरिबेलम की डेवलपमेंट में ये है कि ये बिल्कुल जो मीटन सेफ्लॉन है दरमियान में फंसा हुआ, मतलब ऊपर मीजन है और तो नीचे जो है वो माइलन सेफ्लॉन है, इनके बीच में आता है। तो इसलिए ऐसे एक पिक्चर देख लेते हैं कि कैसे इनके बीच में आता है। अगर आप ये डायग्राम देखते हैं तो इस डायग्राम में देखेंगे ये जो है हमारे पास ये क्या है, ये है मीजन सेफ्लॉन, उसके नीचे जो है हमारे पास जो है वो क्या है माइलन सेफ्लॉन मिडिल ऑब्लोंगेटा, और इसके दरमियान में जो पूरा पोर्शन है ये हमारे पास क्या है मीटन सेफ्लॉन, मतलब कि जो हमारे पास डेवलप होगा। अब ये जो है असल में क्या होता है कि सबसे पहले जो सैरी बेलम है उसमें ये एक जो है फ्लेक्चर डेवलप होता है, ठीक हो गया, एक ये ऐसे जो है फ्लेक्चर जो है मतलब अंदर की तरफ को इन्वेजिनेट करता है और फ्लेक्चर डेवलप हो जाता है। असल में होता क्या है इसमें कि एलर प्लेट जो है वो मिडली मूव करती हैं और जो है ना इसकी वजह से ये ऐसे हमारे पास ये डेवलप हो जाता है, और इसको हम जो है वो बोलते हैं सैरी बेलर, सॉरी रोम्बिक लिप। तो ये जो हमारे पास क्या बन जाता है रोमिक लिप्स बन जाते हैं, ठीक हो गया, ये रोमिक लिप्स बन गए। अब इसकी डायग्राम देखते हैं कि ये मतलब कैसे रोमिक लिप्स। अब जो रोमिक लिप्स होते हैं वो मैं दिखा देता हूँ दोबारा, डायग्राम बता देता हूँ। इस डायग्राम के तहत जो रोमिक लिप्स होते हैं ये क्या होता है कि नीचे वाले पार्ट से, मतलब नीचे से अगर हम ऊपर जाएँ तो ये वाइडली सेपरेट होते हैं, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में ये क्या करते हैं मिडली मूव करके मतलब एक लिप्स बना रहे होते हैं, आपस में जुड़ रहे होते हैं, ठीक हो गया। और इसको ये जब जुड़ जाते हैं इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको हम बोल देते हैं सेरिबेलर प्लेट। बात समझ आई, सबसे पहले देखें ऊपर मीजन सेफ्लॉन है, नीचे हमारे पास क्या पड़ा माइलन, और दरमियान में मीटन है, और मीटन सेफ्लॉन का जो नीचे वाला पार्ट है जो कि माइलन के करीब पड़ा है वो वाइडली स्पेस्ड है, जबकि जो वो पार्ट जो मीजन के करीब पड़ा है वो आपस में आके कंप्रेस होकर जुड़ जाता है और जो चीज़ बनाता है उसको हम बोलते हैं सेरिबेलर प्लेट। अब ये सेरिबेलर प्लेट बन गई, कुछ देर बाद ये जो सेरिबेलर प्लेट है ये हमारे पास जो है वो फर्दर हमारे पास जो है ये डीपन होगी, ऐसे कंडेंस होगी और एक जो है ऐसा स्ट्रक्चर बना देगी। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सेरिबेलम का स्ट्रक्चर है। अगर आप सेरिबेलम की एनाटॉमी देखते हैं तो उसमें ये सेरिबेलर हेमिस्फीयर बन के दो दरमियान में इनको जो कनेक्ट करा है इसको हम वर्मिस बोल देते हैं। वर्मिस के नीचे जो है वो एक हमारे पास जिसे कहते हैं कि ट्रांसवर्स फिशर बनता है, और वो वर्मिस को डिफ्रेंशिएट कर देता है फ्रॉम द फ्लोकुलस जो है ना हेमिस्फीयर के। तो नीचे जो लोब बन जाता है उसको फ्लोकुलर नोड्यूलर लोब बोल देते हैं। तो मतलब ये ऐसे पूरी जो है एनाटॉमी जो डेवलप होगी, उसके बाद साइज जो है इसका इंक्रीज होता है, सिंपल और कुछ भी नहीं होता। बाकी हम पढ़ के आ चुके हैं कि हिस्टो में जो है ये सेरिबेलम की जो है वो मतलब लेयर्स होती हैं, मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं सेरिबेलम की, इनको सिक्स लेयर्स का नाम दिया गया, सिक्स लेयर्स ऑफ सेरिबेलम होती हैं। तो बेसिकली इसमें इसकी एम्ब्रियो में यही हमने याद रखना है कि सिंपली जो है ये शुरू में कोई दो एक लेयर होती हैं, बाद में मुख्तलिफ लेयर्स के सेल आ जाते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम दोबारा दिखाता हूँ, ये अच्छी डायग्राम है, ये देखें इस डायग्राम में देखें कि ये सबसे पहले हमारे पास लेटरली दिखाया हुआ है कि मीजन सेफ्लॉन है, ये एनवीजिनेट हुआ, ये मेंटल लेयर दिखाई हुई है, ये फोर प्लेट की रूफ दिखाई है, फिर हमारे पास ये बिल्कुल सेरिबेलर प्लेट बन गई, फिर ये प्लेट जो है ये इधर से इन्वेजिनेट की ओर जो है ये क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ, बेसिकली ये साइज में इंक्रीज होने लग गई है, और फिर होती होती ये पूरा जो है सेरिबेलम डेवलप हो गया आपके बिल्कुल पोस्टीरियरली जो है ये डेवलप हो गया। तो इस तरह दरमियान में न्यूक्लियस भी आ जाएगा, मेडुला भी आ जाएगा, और मुख्य इसकी सिक्स लेयर जो है उसके परगंजी फाइबर पूरे हो जाएंगे। नीचे इसकी जो है लेयर के लिहाज से पिक्चर्स दी हुई हैं, ये जो पिक्चर लेयर के लिहाज से कि अंदर से बाहर की तरफ हम जाएँ तो मुख्य लेयर हैं। उस में जो लेयर लिखी है आपने वो नाम याद कर लेने हैं, जैसे ग्रेनुलर सेल, बास्केट सेल, स्टील लेयर सेल वगैरह। तो दरमियान में नीचे चार, इसके तीन से चार न्यूक्लियस होते हैं, डेंटेट न्यूक्लियस वगैरह उसमें इंपॉर्टेंट है। तो सेरिबेलम की डेवलपमेंट यही कुछ थी जिसमें हमारे पास सबसे पहले रोम्बिक लिप्स का हम जिक्र करेंगे, रोम्बिक लिप्स के बाद सेरिबेलर
सेरिब्रल प्लेट्स का जिक्र करेंगे, सेरिब्रल प्लेट बन जाती है, सेरिब्रल प्लेट बन जाती है तो ये सेरिब्रल प्लेट जो है दरमियान में हमारे पास ऐसे, जिसे हम कहते हैं कि ये पूरा जो है ये ऐसे करके हमारे पास ये एक हमारे पास बन गया हेमिस्फीयर, दरमियान में जो है ये वर्मिस है, और आस्ता आस्ता हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि एक जो है वो ट्रांसवर्स फिशर आता है और ये लोअर पार्ट है फ्लोकुलर नोड्यूलर लोब इसको सेपरेट कर देता है। ठीक हो गया, ये सेपरेट हो गया और इस तरह जो है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर को जूम करके प्रेजेंट करता है, लाइक इस तरह करके जो है ये हमारे पास प्रेजेंट कर होता है, वर्मिस होता है। फिर दरमियान में इसका अगर हम देखें तो मुख्तलिफ इसमें जो चीज़ें हैं वो हमारे पास जो है वो आ रही होती हैं, जिनमें हमारे पास मुख्तलिफ लेयर्स आ जाती हैं। तो सिंपल जो सेरिबेलम था उसके डेवलपमेंट में यही कुछ था।